नमस्कार दोस्तों, प्रीतिस किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, जिसमें हम बनाएंगे दही के शोले। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, दही के शोले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी दही, जिसको मैंने हैंग करके रख दिया था 2-3 घंटे पहले, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से निकल सके। और इधर मैंने लिया है ग्रीन कैप्सिकम, और यहाँ पे है रेड कैप्सिकम, धनिया कटा हुआ बारीक, और बारीक कटी प्याज, थोड़ा सा पनीर, और यहाँ पे मैंने लिया पत्ता गोभी। आप जो है इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी है ना गाजर अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने यही सारी सब्जियाँ ली। और यहाँ पे 3 से 4 ब्रेड। तो अभी जो है हम इसकी जो स्टफिंग है वो बनाना शुरू करते हैं। तो इधर मैंने लिया एक मीडियम साइज का बाउल, तो जहाँ जो हमने दही हैंग करके रखी थी, सबसे पहले मैं इसमें जो है दही डाल दूंगी, और यहाँ पे मैं डालूंगी सारी सब्जियाँ, बारीक कटा धनिया, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, पत्ता गोभी, थोड़ा सा पनीर और प्याज। यहाँ पे मैं डालूंगी सबसे पहले 1/2 चम्मच ओरिगैनो, स्वाद अनुसार नमक, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच से भी कम ब्लैक पेपर। अब जो है इन सारी वेजिटेबल्स को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो आपकी स्टफिंग होनी चाहिए ना, वो इस तरह से बिल्कुल एकदम मतलब गाढ़ी गाढ़ी होनी चाहिए, और गाढ़ी ये तभी हो सकती है जब आपकी जो दही है वो एकदम ड्राई हो, उसका जो पानी है वो अच्छे से निकल चुका हो। इससे क्या है, आपके दही के शोले बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स और मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ, और इधर मैंने चढ़ा लिया कढ़ाई और गैस फ्लेम को जो है ऑन कर दिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पे जो हमने ब्रेड्स लिए थे, हम जो है ब्रेड्स को इस तरह से जो है प्रेस करके इसको इस तरह से जो है बेल लेंगे। तो ये देखिए एकदम हमारा जो ब्रेड है बिल्कुल पिचक गया है। अब मैं जो है इस ब्रेड पे जो है इस तरह से उंगलियां भिगो के पानी में इस तरह से चारों तरफ जो निकाल लगा देंगे कॉर्नर्स में। कॉर्नर्स को फ्रेंड्स अच्छे तरह से जो है आपको गीला रखना पड़ेगा, ताकि जो है हमारे स्टफिंग भरने के बाद जो हमारा दही का शोला है वो खुले ना। अब जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी वो इस तरह से हम रख देंगे इस पे। हाथ से इस तरह से हम इस तरह की जो है शेप दे देंगे। आपको जो स्टफिंग रखनी है इस तरह से ट्रायंगल में रखनी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया एक पॉलिथीन, आप कोई भी स्क्वायर शेप में इस तरह की पॉलिथीन ले सकते हैं। और यहाँ पे हम पॉलिथीन को ऐसे रख के और जो ब्रेड है हमारा उसको इस तरह से फोल्ड करके जो है, और यहाँ पे हम पानी से अच्छे से इसको चिपका देंगे ऐसे। दूसरी साइड्स में भी इस तरह से हम पानी से इसको चिपका देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से इसको चिपका दिया है अच्छे से, ताकि जो स्टफिंग है वो हमारी बाहर ना निकले। अब आपको इस तरह से जो है पॉलिथीन के साथ जो है आपको अपने ब्रेड को फोल्ड करना है इस तरह से, और इनको जो है इस तरह से कॉर्नर्स पे पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में जो है आपको फोल्ड कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, और बीच में से भी आपको हल्का सा प्रेस करके शेप देना है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करके देख लेती हूँ। तो ये देखिए जो हमारा दही का शोला है वो कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। इसकी शेप फ्रेंड्स कितनी अच्छी आई है। अब मैं एक एक करके सारे ब्रेड्स को जो है इसी तरह से शेप दे लूँगी।
इसी तरह से मैं जो है दूसरी ब्रेड को भी रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चारों कॉर्नर्स में जो है पानी पानी लगा दिया है, अच्छे से ब्रेड को गीला कर लिया है। अब मैं इसमें फिर से जो है स्टफिंग डाल दूंगी। ब्रेड को जो है इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ से कॉर्नर से चिपका देंगे। अब जो हमने पॉलिथीन ली थी उसको इस तरह से रख के अपोजिट डायरेक्शन में फिर से इस तरह से प्रेस करेंगे और फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो दूसरा है वो भी रेडी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे ब्रेड को शेप दे दिया है। अब जो है हम इनको तलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इनको एक एक करके सभी को तेल में इस तरह से डाल दूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो हैं ब्रेड्स वो ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। अब इनको आपको जो है चारों तरफ से पलटते रहना है ताकि अच्छे से सिक सके चारों तरफ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे जो ब्रेड्स हैं वो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं जो इनको है अच्छे से तेल निचोड़ के जो है इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे बन के रेडी हुए हैं। और बाकी जो मेरा एक और ब्रेड है वो भी मैं ऑयल में डाल देती हूँ सेकने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे दही के शोले बन के रेडी है। अब मैं आपको इसकी जो स्टफिंग है वो कट करके दिखा देती हूँ। तो आपको जो है इस तरह से तिरछा इसको कट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स इसकी जो स्टफिंग है वो कितनी अच्छी लग रही है और हमारे जो दही के शोले वो कितने अच्छे बनके रेडी हुए हैं। तो अब इनको जो है हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमारे दही के शोले कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। तो प्लीज आप लोग मेरी इस रेसिपी के जरूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आज आपको मेरी ये दही शोले की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज फ्रेंड्स कमेंट जरूर किया करो, मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।